हेलो दोस्तों, आज हम आपको अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने बिना किसी की मदद या मार्गदर्शन के अपने दम पर इस कृत्य को अंजाम दिया। ट्रायल के दौरान अनंत लक्ष्मण कान्हेरे द्वारा दी गई गवाही। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे का जन्म 7 जनवरी 1891 को रत्नागिरी जिले महाराष्ट्र के अयानी मेटे में एक कोंकण परिवार में हुआ था। उनके 2 भाई और 2 बहनें थी। उनकी शुरुआती साल निजामाबाद में बीते, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। बाद में वे औरंगाबाद चले गए, जहां वे गुप्त क्रांतिकारी समूहों में काम करने वाले लोगों के संपर्क में आए। इस बीच महाराष्ट्र में विनायक सावरकर और गणेश सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत नामक एक युवा संगठन का गठन किया गया। उन्होंने अखाड़ों कुश्ती के मैदान के माध्यम से क्रांति की भावना फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भी अभिनव भारत संगठन में शामिल हो गए, क्योंकि वे उनके दर्शन में विश्वास करते थे कि ब्रिटिश शासन को केवल सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ही उखाड़ फेंका जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के लगातार बढ़ने के साथ आम लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं बढ़ रही थी। लोकमान्य तिलक, गणेश सावरकर और अन्य जैसे नेताओं के प्रति ब्रिटिश क्रूरता लोगों को उत्तेजित कर रही थी और उनमें प्रतिशोध और घृणा की भावना भर रही थी। जैक्सन, जो उस समय नासिक के जिला कलेक्टर थे और अपने निर्दयी तरीकों के लिए जाने जाते थे, जिनको क्रांतिकारियों द्वारा प्रमुख लक्ष्य के रूप में पहचाना गया था। निर्दयी जैक्सन बाबाराव सावरकर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार था और उसने वामन सखाराम खरे, जो पहले से एक वकील था जिसका एकमात्र अपराध यह था कि वह क्रांतिकारियों के लिए लड़ा था, उसको इस हद तक प्रताड़ित किया कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। अंतिम झटका तब लगा जब एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपने वाहन को ओवरटेक नहीं करने देने पर एक किसान को पीट पीट कर मार डाला। जैक्सन में अपराध और अपराध करने वाले को छिपाने का दुस्साहस था। नासिक के लोगों ने इस तरह के गलत कामों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। मामले को शांत करने के लिए जैक्सन को जल्दबाजी में पदोन्नति और स्थानांतरण दिया गया था। विजयानंद थिएटर में उनके लिए विदाई का आयोजन किया गया था। अनंत कान्हेरे ने इसे जैक्सन द्वारा कई जिंदगियों को हुए नुकसान का बदला लेने के अंतिम अवसर के रूप में देखा और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि इस ऑपरेशन के लिए उन्हें अकेले ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 29 दिसंबर 1909 को नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शारदा नामक एक नाटक मंच पर प्रदर्शित किया गया था। मंच के बाहर एक और नाटक जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में खुद को अंकित करेगा, प्रकट होने वाला था। नाटक बीच में ही पहुंच गया था, मध्यांतर का समय था और दर्शक इधर उधर जाने ही वाले थे कि अचानक सभागार गोलियों की आवाजों से गूंज उठा। विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या को अनंत लक्ष्मण कान्हेरे नाम के 18 वर्षीय युवक ने अंजाम दिया था। योजना के अनुसार अनंत कान्हेरे को जैक्सन को गोली मारने के बाद खुद को मारना था, लेकिन इससे पहले कि वह अपना जीवन समाप्त कर पाता, उसे पकड़ लिया गया। माना जाता है कि मुकदमे के दौरान अपनी गवाही में उन्होंने कहा था, मैंने बिना किसी की मदद या मार्गदर्शन के अपने दम पर इस कृत्य को अंजाम दिया। अपने साथियों को षड्यंत्र से बाहर रखने का उनका संकल्प ऐसा ही था। हालांकि क्रांतिकारियों में से एक मुकर गया और परिणाम स्वरूप योजना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अप्रैल 1910 को 19 वर्ष की आयु में उन्हें केशव कर्वे और देशपांडे के साथ अंग्रेजों ने फांसी दी, जिससे वह भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक बन गए। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। जय हिंद।